हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने चैप्टर 14 करना है क्लास 6 का, और बहुत इजी चैप्टर है। अच्छे से आज हमने पढ़ना है जो भी वाटर की रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो इसमें आज हमने डिस्कस करना है। तो वाटर शुरू करते हैं। वाटर एज यू ऑल नोन, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पानी के बिना हमारे मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कोई वर्ल्ड कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। तो इसकी जो वैल्यू है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सपोज़ यू फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी वे फॉर द वीक। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक बकेट पानी मिले। अगर ऐसा हो जाए कि आपकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए एक बकेट पानी मिले, तो कैसा होगा? क्या उसमें हमारा जो है गुजारा चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक बकेट पानी से तो कुछ नहीं होता हमें, क्योंकि कुकिंग करनी होती है, खाना पकाना होता है, उसी में बाथिंग वाले पार्ट आ जाते हैं एंड दिस ऑल। सो दिस इज़ अ वेरी असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके और जो रोल्स हैं हमारे लाइफ में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इमेजिन वॉट विल हैपन, वुड यू एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ और ब्रीथ? वॉट आर द अदर एक्टिविटी यू शुड नॉट बी एबल टू डू? आप ये सब चीज़ें देख लो कि आप क्या क्या कर सकते हो। क्या आप ऐसी कोई एक्टिविटी है जो आप नहीं कर सकते? हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक बकेट पानी ही मिलेगा, तो मुझे तो लग रहा है एक बकेट तो पीने पीने के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप कोई काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे उसमें डेली लाइफ के, यानी कि हम अपने लाइफ को विदाउट वाटर अज्यूम कर ही नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग दे आर मैनी एक्टिविटी फॉर वी यूज़ वाटर। डू यू नो हैव एनी अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर यूज इन सिंगल डे? हमारी डेली लाइफ में पानी पीने के अलावा भी बहुत सारे जो वाटर के काम हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक दिन में आपको कितने लीटर वाटर यूज़ होती है, या फिर आप कितना पानी यूज़ कर लेते हो। लिस्ट ऑल एक्टिविटी, ये फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो ये है कि जो जो काम आप वाटर से करते हो उस की आपने लिस्ट बनानी है। मेक सिमिलर टेबल फॉर योर नोटबुक थ्रू आउट द डे, मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज़। और आप एक टेबल बनाओ जिसमें आप ये चीज़ नोट डाउन करो कि आपने उसके लिए पानी कितना यूज़ किया, जैसे ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज़ किया, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, टॉयलेट के लिए, क्लीनिंग फ्लोर के लिए, एनी अदर, और ये या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो ये ना मैं आपको इसको मैंने आपको ग्रुप में भेजना है। तो आप क्या करोगे, ये सब ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल करना है। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी अलग से। तो आपने क्या करना होगा, इसकी ये जो पूरा टेबल है फिल करना होगा, क्योंकि सबको डिफरेंट डिफरेंट पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट फिल होगा। यू नो द रफ आइडिया हाउ टू मच वाटर आवर फैमिली नीड इन अ डे। रफली तो हम बोल ही सकते हैं, कम से कम हमारे घरों में जो हमारे घरों में बड़ी बड़ी टंकियाँ पड़ी रहती हैं, हम वो फिल कर लेते हैं, वो भी कम पड़ जाती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है वाटर का हमारी लाइफ में, और थोड़े पानी से भी हमारा गुजारा नहीं होता है। यूजिंग द दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड योर फैमिली एवरी डे। अगर आप एक महीने का एक दिन का अगर आपको पता चल जाए कि हमारी फैमिली इतना पानी कंज्यूम कर रही है, इतने पानी की ज़रूरत है, तो आप इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि पूरे के पूरे हफ्ते में आपकी फैमिली को कितना, हफ्ते में, उसके बाद आप ये पता लगाने की कोशिश करो कि पूरे साल में आपकी फैमिली को पानी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देयर विल आइडिया ऑफ अमाउंट वाटर नीडेड बाई वन मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन योर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिव इन योर विलेज। आपने एक अपनी फैमिली के किसी एक जो भी एक मेंबर है उसकी रिक्वायरमेंट आपने पहले देखनी है, और फिर आपके गली में मोहल्ले में जितने भी बंदे हैं सबको क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर लोकेलिटी और योर फैमिली। तो इससे हमें कुछ एस्टिमेशन लग जाएगा कि एक्चुअल में हमारी फैमिली को, सबको पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कितना पानी हम रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं।
यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन। और इस तरीके से हम हमारे विलेज में या टाउन में कितने कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे पूरे विलेज में कितना पानी की ज़रूरत है और कितना पानी यूज़ हो रहा है, इसका हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ़ एक्टिविटी विच यू वाटर यूज़। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मैंने आपको देना भी है, आप लिख लोगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी में कितना कितना पानी यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हमने ये देखना है इतनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में वो पूरी कहाँ से होती है। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम दैट यू यूज़। सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर स्प्रिंग पॉन्ड एज वेल एज हैंडपम्प। तो हम पानी मिलता कहाँ से है, रिवर से मिलता है, पानी पॉन्ड से मिल जाता है, कई कुएं से निकालते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने नलके लगाए जाते हैं, मोटर लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। सम अदर मे स्ट्रीट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैब। और कईयों को जैसे हमारे घरों में टैब लगे होते हैं तो हमें तो डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, टैब से मिलता है टंकी, क्योंकि ऐसा होता है ना बड़े बड़े लोकेलिटीज़ में वो जो टैब होता है बड़ी सी टंकी से फिट होता है और बड़ी सी टंकी में पहले पानी भर दिया जाता है फिर सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इज़ इन द टैंक केम फ्रॉम। अब ये जो हमारे जो घरों पे टैप होता है बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, अब उसमें पानी कहाँ से आता है, ये कभी आपने कभी सोचा होगा कि भाई हमारे घरों में जो टैप में पानी आ रहा है बड़े बड़े टंकियों में जो हमने पानी फिल कर रखा है एक्चुअल में वो आता कहाँ से, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम फ्रॉम डिफरेंट वेज। तो हमारे घरों में जो पानी आता है सबके घरों में क्या होता होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेज से पानी आता होगा। कोई किसी ने मोटर लगा रखा होगा, किसी ने बोरिंग बेल करवाई होगी, किसी ने टैप लगवाई होगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके घर में पानी आ रहा होगा। वी हैव डिस्कस सम ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू टिल द दिस पॉइंट लेक रिवर। तो ये जो है सोर्सेस बताए गए पानी के, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं पानी को मिल जाता है हमें पानी, तो ये आपको बताया गया। और एक मैं रफली आपको यहाँ पे एक आइडिया बताना चाह रही हूँ, ये आपको ये जो अर्थ दिख रही है इसका ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना एक्चुअल में क्या है, वो पानी है। और ग्रीनिश पोर्शन जो दिख रहा है वो फॉरेस्ट वगैरह है, और जो ये आपको ब्राउन ब्राउन से पोर्शन दिख रहे हैं वो क्या है, लैंड पार्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट अबाउट अ वन थर्ड टू थर्ड ऑफ अर्थ वाटर इज कवर्ड विद वाटर। टू थर्ड मतलब जितना ये अपना अर्थ है ना इसके क्या कर देने हैं आपने, तीन हिस्से अगर मैं इक्वल करूँ, ठीक है, टू थर्ड पानी है। टू थर्ड पानी का मतलब क्या है, अगर मैं इस अर्थ के तीन पार्ट करूं तो इस वाले पार्ट में भी पानी है और इस वाले पार्ट में भी पानी है। लैंड कौन से पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में क्या है, लैंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ में पानी है, यानी इस अर्थ का 2/3 पार्ट क्या है, पानी से भरा पड़ा है। द वाटर इन द ओशन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व। जो हम कहीं का भी पानी एकदम से नहीं पी सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है, वो इनप्योर वाटर होता है। द वाटर और इज स्लाइन, स्लाइन वाटर क्या होता है, नमकीन पानी जो होता है समुद्रों का उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइन वाटर। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यू नीड। इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़, तो हम इसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, हम अपने घरों में भी यूज़ नहीं कर सकते, पीने के लिए तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। You might have heard the famous line rhyme of Asian Marin written by ST. ये एक rhyme है इन poet ने लिखी हुई है, water water everywhere nor any drop to drink। ये देखो इस line का meaning क्या है, जो ST college ने 1798 में Coleridge ने 1798 में लिखी थी, water water everywhere nor any drop to drink। मान लो आप समुंदर में फंस जाते हो, ऐसा हो ना भगवान करे, पर मान लो कोई बंदा फंस गया है
और उसको प्यास लग रही है, तो क्या होगा अगर उसने क्या किया, समुद्र का पानी देखो हर जगह समुद्र का पानी है, लेकिन वो उसका एक ड्रॉप भी नहीं पी सकता। अगर उसने वो उस पानी पी लिया तो क्या होगा, वो उसको उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, उस वो हो सकता है बेहोश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसकी हेल्थ के लिए वो जो नमक वाला पानी है, जो समुद्र का पानी है, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, साफ पानी ही पीना पड़ेगा। तो ये राय यही चीज़ इंडिकेट करती है, अगर हमारे चारों तरफ पानी पानी भी हो जाए फिर भी हम पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं, क्योंकि हर एक पानी पीने लायक ऐसा नहीं कि ज़रूरी हो कि वो पानी पीने लायक है। हियर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सेलर ऑन द शिप लॉस्ट इन द ओशन। तो वो यही बता रहा है कि एक जो सेलर है वो समुद्र में फंस जाता है, तो उसके लिए बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चारों तरफ पानी भी हो तो भी हम पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हाँ वो कौन सा पानी होता है, स्लाइन वाटर होता है। नेक्स्ट, येट ओशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल सप्लाइंग वाटर दैट वी यूज टू। यू फाइंड द सरप्राइजिंग दैट ऑल द वाटर दैट वी यूज नॉट सॉल्टी, मैनी ऑफ लीव प्लेस अवे ओशन, डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन। क्या हम देखो हम तो ओशन का पानी नहीं पीते, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। एक तो एक सी ब्रिज बनता है, एक लैंड ब्रिज बनता है इनकी वजह से, आपने लास्ट वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो पानी कहाँ से आता है, हाउ डज़ द ओशन वाटर रीच पॉन्ड, जो ओशन के पानी है वो पॉन्ड तक, लेक तक, रिवर तक कैसे पहुँचते हैं, हाउ द कम वाटर फ्रॉम दिस सोर्स एंड नॉट स्लाइन एनी मोर, हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज रिसोर्सेस। अच्छा, अब वो जो नदी का पानी होता है, बाकी का पानी वो स्लाइन नहीं होता, ऐसा कैसे, दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन। अच्छा, अब देखो ये इसका रीज़न वाटर साइकिल में है। वाटर साइकिल में क्या होता है कि समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, आपने लास्ट क्लास में किया हुआ है, वो भाप बन के इवेपोरेट होकर के बादल बन जाता है, बादल बन के क्या हो जाता है नीचे, जब ये इधर जाता है तब तो स्लाइन होता है, लेकिन जब वो आता है तो स्लाइन वाटर नहीं होता। आप बारिश के पानी को पी सकते हो, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो देखो अगर ओशन ही नहीं रहेगा तो वाटर साइकिल होगा ही नहीं, तो अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो हमें प्योर वाटर बारिश का पानी कहाँ से मिलेगा, और अगर बारिश का पानी नहीं मिलेगा तो हमारी खेती हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, वर्ल्ड ओवर ऐसी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वाटर से ओशन को डायरेक्टली हम यूज़ ना करते हों, पर इनडायरेक्टली हमारे बहुत ही काम का है। तो आज के वीडियो में हमने बस इतना ही करना है, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल।